अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ये जो है वीडियो हमारी, जो हमने लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, जो उसमें एक बहुत ही ख़तरनाक सा, बहुत ही डेंजरस सा जो है ना, पथरीले पत्थरों वाला जो रास्ता था, वहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, वो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। तो ये वाली जो वीडियो है, ये वो वीडियो है जिस जगह पे हमने पहुंचना था। और इस जगह पहुंचने के लिए हमें पहले तय करना पड़ा। फिर हम जब यहाँ पे पहुँचे तो तब तक थोड़ा हमें सुकून का सांस आया कि चलो शुक्र है हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक सी लेक, एक झील है जिसका नाम हालेजी झील है, जिसको बहुत टाइम तक मैं हाला झील समझती रही। अब मुझे आता था तो अट्रैक्ट करता था, हाला होता है ना, चांद का हाला जिसको बोलते हैं, लेकिन ये हाला झील नहीं है, ये हालेजी झील है जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हम तकरीबन हर साल यहाँ पे आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है साल में दो दफ़ा भी आ जाते हैं। और इस दफ़ा जब हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। पहले तो रास्ता ख़राब था, लगा करके वहाँ से यहाँ पहुँचे, तो जब यहाँ पहुँचे तो इतना रश के कोई भी जो ये हट्स बनी हुई है ना, कोई भी खाली नहीं थी। मतलब ये एक खाली थी, लेकिन यहाँ पे धूप थी, इसके अलावा आगे जितना भी हम लोग गए ना, सारे बिल्कुल फुल हुई थी, सब लोग पिकनिक पे आए हुए थे। एक्चुअली मुझे बताया घर वालों ने कि मछली का सीज़न है, फ़िशिंग करते हैं लोग यहाँ पे आकर। तो यहाँ पे जितनी फैमिलीज़ आई हुई थी ना, वो सब के सब फ़िशिंग कर रहे थे, सब के सब कांटे वांटे अपने जो है ना औजार लगा के बैठे हुए थे। और अब आगे आगे चलते जाएँ, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। एक्चुअली इस तरफ लेक है, झील है, और इस तरफ जो है ना, ये पूरा जो है ना एक पट्टी बनाई हुई है, इसमें छोटी छोटी हट्स बनाई हुई हैं, आग जलाने की जगह बनाई हुई हैं। और इस तरफ मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बाकायदा एक पूरे वो अपार्टमेंट टाइप भी बनाए हुए हैं उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ना, कि वो आप रेंट पर भी ले सकते हो। पे ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं झील के, इन्होंने बहुत सारी इसको चीज़ें दी हुई हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। इतना ज़्यादा काम तो नहीं इस पर हुआ हुआ, ये देखिए पोस्टर पूरी आई हुई है, इसमें पूरी फैमिली आई हुई है, पूरा ख़ानदान आया हुआ है, और वो लोग जगह जगह इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और मैं ये कह रही थी कि यहाँ से लोग फिश पकड़ के ना वहीं पर पकाते हैं, यहीं पर पका रहे होते हैं। और इन्होंने चूल्हे पूरे सेटअप, और ये हैवी बैग सारा वाले भी आए होते हैं, मे भी कराची से ये हैवी बैग पे आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखें, ये पूरी फैमिली है, पतीले पड़े हुए हैं, खाना बन रहा है। तो जो लोग जो है ना बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी पिकनिक के शौकीन हैं, उनके लिए आई थिंक ये बेस्ट पॉइंट है पिकनिक का, क्योंकि इसमें लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। थोड़ा अभी नहीं जाइएगा, या कोई और मुतबादल रास्ता देख लीजिएगा, अभी वहाँ पर रास्ता बन रहा है, जब ये बन जाएगा, इंशाल्लाह बन ही जाएगा, तो तब आप ज़रूर जाइएगा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरी बहुत फेवरेट जो है ना ये जगह है, सीरियसली मुझे पूरे, मतलब पूरे कराची में, कराची के बाहर आसपास जो है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आता है, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, और मुझे जो है ना ये झील, एक तरफ पानी और बहुत सारे दरख्त, ग्रीनरी, सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये देखें, ये पूरा सामान लोगों का जो है ना, वो देखें लोग, वो बंदा फिशिंग कर रहा है, और बहुत ही मज़े का जो है ना, ये बहुत ही मज़े की ये जगह है। वो आपको दिख रहे हैं ना घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट टाइप, ये गवर्नमेंट इनकी तरफ से बनाए हुए हैं। ये जो है ना, यहाँ पे खाना वगैरह भी देते हैं आपको बना के, आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो। कह रहे लाइट वाइट हर वक्त जनरेटर वगैरह ऑन रहते हैं, लाइट भी नहीं जाती है, और आप पूरा स्टे कर सकते हो, आप मे भी पता नहीं जितने भी दिन आप कर सकते हो, पता नहीं 8,000 या 10,000, 10,000 इस तरह से कुछ रेंट बता रहे थे ये एक दिन का ना। तो अगर कोई आके रहना चाहे तो वो भी, मतलब बेस्ट। यहाँ के लोग थोड़े से वो हैं, ये कि अगर बहुत सारे लोग हों और मेल हों साथ में, तो आई थिंक रह सकते हैं लोग। फैमिलीज के लिए थोड़ा सा बताइए कि सुबह और शाम को चला जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे ये मैं एक काम करती हूँ, इसका सेकेंड जो है ना पार्ट, वो भी लगा दूँगी। वो जो इन्होंने छोटा सा एक जू बनाया हुआ ना, क्रोकोडाइल जिसके लिए ये मशहूर है झील, वो जो इन्होंने यहीं से पकड़ के वहीं पे डाले हुए, वो मैं उसमें डाल दूँगी। अभी मैंने बोला ये पूरा आपको दिखा दूँ इस पार्ट में। यहाँ पे हम फिर आगे आ गए थे, यहाँ पे ये खाली था, फिर हमें ये जगह मिली थी, फिर हमने बोला चलो यहीं पे बैठ जाते हैं। अभी
तेल में डाल लो। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जगह नायाब परिंदों के लिए जो है ना बड़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है, ये मशहूर है लेके यहाँ पे बहुत हर साल बहुत नायाब तरीन परिंदे जो है ना हिजरत करके दूसरे मुल्कों से आते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये देखें बहुत प्यारी सी चिड़िया थी ये, मैंने इनको जूम करके जो है ना इनको थोड़ा सा इनको कैप्चर किया था वीडियो में। तो इसके अलावा भी इतने प्यारे प्यारे परिंदे थे, आगे मैं आपको मैं आपको दिखाऊंगी ना, मैंने उनके मतलब दरख्तों में छुपे हुए होते हैं, मैं जितना पॉसिबिलिटी है जितना आ सके वीडियो के अंदर मैंने वो भाग जाते हैं आवाज़ सुन के। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चाय बनाई थी क्योंकि चाय के बगैर तो कोई कोयले वाली चाय के बगैर मज़ा ही नहीं आता। बस मेरा सबसे अच्छा पार्ट ऑफ डे यही था जब मैंने चाय पी थी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। और हमने यहाँ पे चाय भी बनाई है ना, और चाय भी तफागन बहुत अच्छी और आपने बनाई थी जबरदस्त, और हमने ठंडी बिरयानी भी खाई, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी जो आपने बनाई। हाँ नहीं आज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, और सेकेंडली थोड़ा जो है ना वो थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो गई, राइस थोड़े से टूट गए लेकिन अच्छी थी। अभी ये कि दोबारा से इसको गर्म कर। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन जा हो रहा है, लंबी जीरी से लग गया, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा कितनी क्रीपी ऐसी है तुम्हारी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? काला गुण काला फिर बगा चुप भी रहो तुम, हम बात करते हैं यार इनको छोड़ो। मैंने ये कर दूँगा आपके पास, मुझे पता है जेब में छुपा है उसको, होता सबके पास भी था। अच्छा आपने कौन कौन से पर्स देखे यहाँ पर? किंगफिशर और पास्ताएं देखी हैं, और दो चेंजिंग भी आ रहे हैं। और ये हमारी प्यारी सी कार खड़ी है जो हमारा वेट कर रही है, जल्दी से आए उसमें बैठे। तो ये हमारे आज की पिकनिक थी, थोड़ा सा हम आगे भी आपको दिखाएंगे। हम अब असल में हम लोग बिल्कुल एंड में आके यहाँ में हमने अपने चादर वादर दिखाई, क्योंकि सारी जगह फिल हो चुकी है, थोड़ा सा खाना खाया और गर्मी थी बस थोड़ा सा खाया, और बाकी ये चाय वगैरह बनाई थी यहाँ पे। तो
यहाँ पे लोग अक्सर लोग यही करते हैं क्योंकि यहाँ आके बल्कि पूरा पूरा खाना बनाते हैं यहाँ पे आके। और आजकल तो भाई वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना मछलियाँ इतनी इतनी सारी यहाँ पे आई थी, इसमें मछलियाँ होती, इसमें मछलियाँ होती हैं क्या झील में क्या, तो हम क्यों नहीं पकड़ते मछलियाँ? आप लोग सामान में हेल्प करो जुड़ा गाड़ी में। प्यार से बात करते हैं बच्चों की तरह बेटा, चलो सेकंड पार्ट तो आज के लिए बस इतना ही।